वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव फार्मासिस्ट। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जो है हेयर बेल्ट डेकोरेशन का। तो मैंने ऐसे 5-6 हेयर बेल्ट डेकोरेट किए हुए हैं, तो आप ही मुझे बताना कि मैं कंटिन्यूअसली हेयर बेल्ट के वीडियो डालूं या फिर अल्टरनेट कभी DIY और कभी हेयर बेल्ट के वीडियो डालूं। तो प्लीज वीडियो पूरा देखना ताकि आपको प्रॉपर एक एक चीज समझ में आए और पसंद आए। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। आपने तो एक ही वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिया और बाकी के वीडियो तो आप देखते भी नहीं यार। प्लीज बहुत ज्यादा व्यूज कम हो गए हैं, तो प्लीज आप वीडियो देखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर की सैटिन रिबिन 70 सेंटीमीटर ली है और रेड कलर की 150 सेंटीमीटर ले ली है। तो अब मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का एक रोज़ बना रही हूँ। तो पहले मैंने दो पार्ट में पहले लेस को फोल्ड किया और फिर उसे राउंड शेप में कन्वर्ट कर रही हूँ। 5-6 राउंड्स मैंने इसके बना लिए और फिर बाद में मैं इसे थोड़ा सा रोज़ लाइक स्ट्रक्चर देने के लिए यहाँ पर ट्रायंगल शेप में इसे और फोल्ड कर रही हूँ। आप देख सकते हो कि मैं ये किस तरह से कर रही हूँ और आप अगर स्टेप बाय स्टेप ये जैसे कर रही हूँ वैसे फॉलो करेंगे तो आपका भी रोज़ बहुत सुंदर बन के आएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल शेप में मैं धीरे धीरे सैटिन रिबिन को फोल्ड कर रही हूँ और इजीली मेरा जो रोज़ है वो बन गया है। आपको अगर स्टिचिंग की ज़रूरत लगती है तो आप बीच बीच में स्टिचिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने पूरा फ्लावर बनाने के बाद ही डायरेक्टली स्टिचिंग की है। तो हमें हाथ की स्टिचिंग ही करनी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इस रोज़ को स्टिच कर रही हूँ। तो ध्यान ये रखना है कि रोज़ के सभी लेयर्स इस सुई में आ जाए और अच्छे से हम इसे स्टिच कर सकें। अगर आपको ये नहीं जमेगा तो आप धीरे धीरे एक एक स्टेप के बाद भी आप स्टिचिंग कर सकते हो, वो भी आपको इजी जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो बचा हुआ नीचे का पोर्शन है उसे कट कर रही हूँ और लाइटर से इसे पैक कर दे रही हूँ ताकि प्रॉपर फिनिशिंग आए और वो निकले ना, क्योंकि सैटिन रिबिन का धागा निकल जाता है। तो यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर बना रही हूँ। तो पहले मैंने 2 शेप में पहले इसे फोल्ड कर दिया, फिर उसी से मैं 5-6 राउंड्स ऐसे घुमा के बना रही हूँ और फिर बाद में फिर से वही स्टेप करनी है, लेकिन इस बार हमारा फ्लावर बड़ा होने वाला है। तो यहाँ पे ट्रायंगल शेप दे के मैं इस रोज़ को कंप्लीट कर रही हूँ। आप देख सकते हो ये किस तरह से बन रहा है। ये फ्लावर्स बनाना हार्ड है, लेकिन मैं अभी दूसरे जो वीडियोज़ अपलोड करूँगी हेयर बेल्ट वाले वो सच में ईजी है, तो आप वो भी ये वीडियोज़ देखना। लेकिन ये हार्ड होके भी बहुत सुंदर इसका लुक आता है और आपके बेबी को या अगर आपको खुद को भी लगाना है तो ये बहुत सुंदर लुक देता है। तो यहाँ पे मैं ये रेड कलर का रोज़ भी अच्छे से स्टिच कर ले रही हूँ और बाद में मैं एक येलो कलर के भी फ्लावर्स बनाने वाली हूँ। तो येलो कलर, तो यहाँ पे मैंने पहले रेड कलर के 3 फ्लावर्स बना लिए हैं और वाइट कलर के 10 फ्लावर्स बना लिए हैं। तो पहले फिर ये जो मरून कलर है उसके 2 फ्लावर्स बना लिए हैं और फिर मैं येलो कलर का फ्लावर बना रही हूँ। तो वो भी हमें वाइट कलर के फ्लावर जितना ही बड़ा बनाना है। तो जो रेड कलर का फ्लावर है वो 2 सेंटीमीटर का है और जो वाइट कलर का फ्लावर है ना वो 1.25 सेंटीमीटर का है। तो मतलब इतना जो हमने 70 सेंटीमीटर जो रिबिन ली थी उसमें उतना फ्लावर बन जाता है और 150 सेंटीमीटर के लिए 2 सेंटीमीटर का फ्लावर्स बन जाता है। तो हाँ मुझे पता है कि मैं थोड़ी अच्छे से आपको बता नहीं पाती हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन धीरे धीरे सब आ जाएगा मुझे। तब तक तो आप मुझे सब्सक्राइब करो यार और प्लीज़ वीडियो पूरा देखते जाओ ताकि आपको समझ में आ जाए सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर का भी फ्लावर रेडी कर लिया है। तो अब लीफ बनाना है। तो पहले मैंने 5 सेंटीमीटर बाय 2.5 सेंटीमीटर का सैटिन रिबिन का टुकड़ा ले लिया है और फिर इसे इस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ। पहले बीच में 2 साइड से फोल्ड करना है और फिर उस 2 साइड्स को एक साथ मिलाकर
फिर फोल्ड करना है। आपको तो दिखाई दे रहा होगा कि मैंने किस तरह से फोल्ड किया है और मैं इसे किस तरह से कट कर रही हूँ ताकि ये प्रॉपर लिप जैसा शेप इसे आ जाए। तो ऐसे मैंने बहुत सारे लिप्स बना लिए हैं ताकि हमें डेकोरेट करने में आसानी जाए। तो यहाँ पे मेरे सब फ्लावर्स रेडी है, लिप्स रेडी है। चलिए तो फिर अभी इसे हम चिपकाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पोलन ग्रेन्स लिए हैं, ये हमें किसी भी शॉप में इजीली मिल जाएंगे। और अभी इन दोनों फ्लावर्स को मैं पहले अटैच कर रही हूँ और फिर यहाँ पे मैं अभी पोलन ग्रेन्स लगा रही हूँ। पहले मैंने पोलन ग्रेन्स इस यहाँ पे चिपका लिया है और फिर बाद में मैं इसके ऊपर ही लिप्स चिपकाने वाली हूँ। मैंने ग्लू गन की हेल्प से एक एक चीज़ें लगा रही हूँ। यहाँ हमें ग्लू गन ही यूज़ करना पड़ता है। तो देखिए मैंने पहले दो लिप्स एक साथ जोड़ दिए हैं और फिर उसके बाद मैं ये पोलन ग्रेन्स के पीछे इन्हें लगाने वाली हूँ। तो एक एक रोज़ मैं ऐसे रेडी कर रही हूँ और ये तीनों रोज़ को मुझे एक साथ चिपकाना है। तो यहाँ पे मैंने इसे चिपका लिया है। आपको एक बात बता दूँ कि ये ग्लू गन से ही हम काम कर सकते हैं, बाकी कोई भी ग्लू हमें जमेगा नहीं क्योंकि ये जल्दी जल्दी सूखना चाहिए इसीलिए। तो यहाँ पे मैं बाकी और चार लिप्स को यहाँ पे इस तरह से पोलन्स लगा रही हूँ और मुझे ये रेड रोज के आजू बाजू में दिखाना है। तो इसलिए मैंने पहले रेड रोज अटैच करके देखा है और फिर बाद में मैं इन्हें पहले लिप को लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये हेयर बेल्ट बनाया है। तो ये सिंपल वाला हेयर बेल्ट है, इसका ट्यूटोरियल भी मैं आपको कल अपलोड कर दूँगी, तो वो ज़रूर देखना ताकि आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ जाए और आप प्रॉपर सुंदर हेयर बेल्ट बना सको और अपने बेबी को खुश कर सको। तो यहाँ पे मैं अभी ये स्टेप बाय स्टेप चिपका रही हूँ। अभी मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ आपको कि मैं किस तरह से चिपका रही हूँ, आपको तो सब दिख ही रहा है। तो इस तरह से मैंने स्टेप बाय स्टेप इसे धीरे धीरे करके पूरा चिपका लिया है। मतलब लिप्स आपको जहाँ लगाने आप लगा सकते हो, या मेरे तरह लगाना है तो आप मेरे तरह भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमारा हेयर बेल्ट तो रेडी है, लेकिन हमें अब इसे थोड़ा मजबूत भी तो करना होगा क्योंकि छोटे बच्चे रहते हैं तो वो खींचते हैं और फिर टूटने का भी डर रहता है, इसलिए हमें इसे पीछे से भी पूरा कवर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सैटिन रिबन ले ली है थोड़ी सी वाइट कलर की, जितनी मुझे चाहिए थी। आप मेजरमेंट करके उतनी ले लेना। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन की हेल्प से इसे पीछे से सपोर्ट दे रही हूँ ताकि ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप आ जाए इसे और ये जल्दी टूटे ना। और आपको एक बात बता दूँ कि हम इसे वॉश भी कर सकते हैं क्योंकि ये हमने ग्लू गन से चिपकाया है तो वैसे भी वो निकलने वाला तो है नहीं। तो इसके ऊपर मैं अभी स्टोन लगा ले रही हूँ और यहाँ पे येलो कलर का भी मुझे रेडी करना है। तो ये थोड़ा सा सिंपल कवरिंग है इसकी, मतलब हेयर बेल्ट को मैं कवर कर रही हूँ ब्लैक रिबिन से। तो बस मैं इजीली इसे बस राउंड राउंड करके चिपकाते जा रही हूँ। तो मैंने पहले एक जो बाजू है उसमें ही ग्लू गन लगाया है और फिर बाद में बीच में मैंने कोई ग्लू गन नहीं लगाया है, बस टाइटली इसे फोल्ड करते जा रही हूँ राउंड शेप में। और बाय द एंड मैं उसको अब ग्लू गन से चिपकाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो रिबिन है उसे पहले कट कर लिया है और फिर बाद में मैंने ग्लू गन से चिपका लिया है।
तो यहाँ पे पूरा जो एंड है उसे लाइटर के साथ भी कवर कर रही हूँ ताकि जो धागे हैं सैटिन रिबन के वो निकले ना और वो जो हमने बनाया है वो अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे लाइटर की हेल्प से मैं दोनों एंड को स्ट्रांगली कवर कर रही हूँ। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हेयर बेल्ट है, क्योंकि अगर हम बाहर मार्केट में अगर कुछ हेयर बेल्ट लेने जाते हैं तो ये उतने मज़बूत नहीं मिलते हैं, इसलिए आप स्पेयर हेयर बेल्ट थोड़ा अच्छे से देख के लेना ताकि आप अगर इतनी मेहनत करते हो तो वो बहुत दिन तक आपके साथ रहे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से जो येलो हेयर बेल्ट है इसे भी बना लिया है और अब मैं इन दोनों के ऊपर स्टोन भी लगाने वाली हूँ। इसको भी मैं पीछे से येलो रिबन से कवर कर रही हूँ ताकि ये भी अच्छे से स्ट्रांग बन जाए और जल्दी टूटे ना। तो यहाँ पे मैंने हेयर बेल्ट बना लिया है और दोनों हेयर बेल्ट अब रेडी है। तो पहले आप देख सकते हो कि मैं इन दोनों के ऊपर स्टोन भी लगा लिया है। तो आप बताना कि ये हेयर बेल्ट कैसे लग रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए सच में आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए इंटरेस्टिंग डीआईवाई के साथ। तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मस्त अच्छे अच्छे डीआईवाई बनाते रहो और अपने घर को सजाते रहो। बाय।